नमस्कार सभी को। आज के इस स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र के लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्त्री रोग में उपयुक्त कल्पों का विशेषकर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और आज के सत्र में उपस्थित सभी वैद्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं पंचवल्कल चूर्ण एवं काढ़े की। जैसे कि स्त्री रोगों को अगर देखा जाए या उसका डिविजन अगर हम देखेंगे तो अनेक सारे वैधियां बताई गई है, अनेक सारे कल्पों का प्रयोग तो हम लोग करते ही है। बट जैसा कि आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पंचवल्कल, तो पांच वल्कल यानी बार्क, जैसे कि हम कह सकते हैं, तो पांच जो द्रव्य है वो में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कुछ खास यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे जितना ज्यादा हम लोग सिंपल ट्रीटमेंट दे, जितना ज्यादा इजी उपाय कर सके जो भी कोई वैद्य हो, उतना इजी होता है। तो हर बार हम इस प्रकार से नहीं सोचना है हमें कुछ प्रोप्राइटरी ड्रग, बट छोटे छोटे जो भी बताए गए आयुर्वेद सभी आचार्यों ने बताया, चरक सुश्रुत सभी ने इसका वर्णन किया है। तो ऐसा ही एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इतना इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पंचवल्कल यानी क्या है। तो जैसे कि वर्ड इसमें तो बहुत उपयुक्त है, देवोदादिगण से है, बट बहुत अच्छे से स्त्री रोगों में इसका बहुत अच्छा उपयोग बताया है। उदुम्बर है, गुलर जिसको कहते हैं हम लोग, अश्वत्थ पिपली एक बहुत अच्छी हर्बल ड्रग है, आयुर्वेद की बहुत अच्छी वनस्पति है, परिश जिसको पिपरी कहा जाता है और प्लक्ष फिकस। तो इन पांच रंगों को इनकी छालों का प्रयोग कर जो काढ़ा हम लोग बनाते हैं, तो काढ़ा बनाने की विधि तो हमें पता है। जैसे चूर्ण लेना है, बस उसमें 60% मात्रा में पानी डालिए और उसको 1/4 रहने तक उबालिए। इस प्रकार से काढ़ा बनाने की विधि तो अलग अलग आचार्य ने कुछ बनाई है बताई है, उस हिसाब से हम लोग काढ़ा बना सकते हैं। तो ये पंचवल्कल यानी अभी जो मैंने बताया, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पिपली, परिश और प्लक्ष, इन पांचों की छाल का प्रयोग कर कर हमें जो काढ़ा बनाना है या चूर्ण बनाना है, टैबलेट में मिलती है, कल कभी बना सकते हैं, भी बनाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से इन पांचों औषधियों का प्रयोग हम करेंगे। तो पांचों के गुणधर्म क्या है समझ लेते हैं। जैसे वट को देखेंगे तो सभी ये पांच ही द्रव्य कषाय शीत वाले है। तो कषाय शीत होने से देखिये, कषाय रसों का प्रयोग हमें पता है, मधुर आम्ल लवण कटुतिक्त कषाय रस। तो एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी क्या होती है, कषाय और शीत गुण, स्तंभनी शीत, कषाय गुण और शीत गुण मिलकर बहुत ही अच्छा उपाय प्रयोग हम लोग इसका कर सकते हैं। सभी आचार्यों ने इसका वर्णन किया है, आचार्य चक्रदत्ता ने, फिर भेषज रत्नावली ने इसका वर्णन आया है। भेषज रत्ना में जिस रोगाधिकार में इसको बताया गया, मुख्य रोगाधिकार में बताया है। तो आगे हम बात करते हैं, आचार्य सुश्रुत ने बताया है, आचार्य वाग्भट ने त्वचा विकार को लेकर बात कही है, महाप्रकाश निघंटु में भी ये एक प्रकार से इसको बताया है, ओबेसिटी में इसका प्रयोग बताया है, फिर चरक आचार्य ने तृष्णा और त्वचा विकारों में इसको बताया है। तो सभी आचार्यों ने इस पंचवल्कल चूर्ण का काढ़े का प्रयोग हर एक अलग अलग वैधियों में किया है। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या है ये पंचवल्कल चूर्ण और कैसे काम करता है। तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो एंटीसेप्टिक, यानी जहां पर भी पस बनेगा, क्लेद बनेगा, वहां पर इसका अच्छे से काम होता है। एंटी इंफ्लामेटरी है, सूजन जहां पर भी कुछ एक प्रकार से इंफ्लामेशन, यानी हमने देखा कि इंफ्लामेशन की जब पैथोलॉजी हम समझते हैं तो टिश्यू वहां पर कलेक्ट होता है, फ्लूड जम जाता है, कभी कभी इसमें पस फॉर्मेशन होता है, रेडनेस आता है, टेम्परेचर बढ़ता है वहां जो भी एरिया में इंफ्लामेशन हुआ है। फिर इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी कहा है इसको, एंटीऑक्सीडेंट बताया है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है, एनल फिशर्स में, वजाइनाइटिस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव एकर, तो कई सारे प्रयोग इसके बताए गए। तो आज का जो एक्सक्लूसिव सेशन है स्त्री रोगों के लिए, तो सबसे पहले तो मैं स्त्री रोगों में ही इसका उपयोग बताऊंगी और फिर हम लोग विविध सारे जो भी इसके उपाय बताए हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो रजोदुष्टि में कफ पित्त, क्योंकि ये पांच भी जो भी चूर्ण है, पांच भी जो भी द्रव्य बताए वो कफ और पित्त का शमन करने वाले बताए। तो कफ पित्त रजोदुष्टि में हम लोग योनि धावन के लिए, वजाइनल डश के लिए इसका बहुत अच्छे से रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसका आप जरूर प्रयोग कीजिए रजोदुष्टिजन्य विकारों में। दूसरा मैं बताना चाहूंगी ल्यूकोरिया,
यूरिया अनेक कारक को लेकर हमने बहुत बार चर्चा भी की है, श्वेत स्राव जो कि हार्मोनल इंबैलेंस से लेकर अनेक सारे अर्बुद जैसे व्याधियों की निशानी है। कई कई बार जैसे कुमारिकाओं में भी श्वेत स्राव को देखा जाता है, वृद्धा में देखा जाता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिस्टम के तौर पर देखा जाता है, मेनोपॉजल एज में देखा जाता है। तो श्वेत स्राव जिसको सोम रोग में भी इसको बताया, श्वेत स्राव के तो अनेक सारे कारण है, ये एक टाइप का इन्फेक्शन भी बोला जाता है। बट किंतु श्वेत स्राव या जो भी ल्यूकोरिया डिसीज बताया गया है, तो इस श्वेत स्राव में जिस प्रकार वजाइनल से योनि से एक क्लेद अधिक बनता है, तो देखिए इसकी पैथोलॉजी क्या है, समझिए। तो पैथोलॉजी में ये हम लोग समझेंगे कि क्लेद अधिक बह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाकर शरीर में द्रवगुण बढ़ा है। तो द्रवगुण बढ़ा है या जलमहाभूत की विकृति हुई है, तो इसको कम करने के लिए हमें वैसे ही कषाय शीत स्तंभन करने वाले द्रवों का प्रयोग करना है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पंचवल्क चूर्ण जो कि कषाय रस वाला है, तो कषाय रस या शीत गुण स्तंभन शीत स्तंभन करना इस शीत गुण का कारण है। जो भी शीत गुण के द्रव्य आप उपयोग में लाओगे, जो भी स्तंभन यानी रोकना, टू होल्ड, और इसीलिए अति सारे जहां पर भी जल रक्त अनेक सारे व्याधियों में हमने देखा। सिंपली आप देखिए कि जब भी कुछ जख्मा होता है तो हम लोग पानी की धार लगा देते हैं नल के नीचे, हमारी अंगुली को अगर कट गया तो अंगुली नल के नीचे रख देते हैं, तो इससे क्या होगा, बस तुरंत थोड़ा ब्लड जो निकलता है वो स्टॉप होता है। तो पानी शीत गुण का है, तो शीत गुण जो कि रुकने का कार्य करता है, इसीलिए यही पैथोलॉजी हमें समझनी है। यहाँ पर पंचवल्क का आप काढ़ा बना लीजिए और इससे आप योनि धावन कीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट, ड्रामेटिक रिजल्ट इसके लिए कोरिया में मिलते हैं। ये क्या करेगा, वहां पर जो भी योनिगत जो भी क्लेद स्रवण होता है या यहाँ पर जो भी क्लेद से जो भी खुजली आना, कंडू जैसे लक्षण होते हैं, पानी बहता चला जाता है, कभी कभी बहुत अनइजी कम्फर्ट अनकम्फर्ट होता है, कभी कभी पेन भी होने लगता है, तो इन सभी कंडीशन में अगर आपने एक 5 दिन का 7 दिन का कोर्स करा दिया योनि धावन का, तो बहुत ही उत्तम इसके रिजल्ट हमने देखे है। तो इस प्रकार से ये कषाय रस होने से वहां के क्लेद का करेगा और जो भी बहाव है सूजन भी आती है, कभी कभी योनि मार्ग में थोड़ा सा इन्फ्लाम भी हो जाता है जब श्वेत स्राव अधिक मात्रा में निकलने लगे, तो इस सूजन को भी कम करेगा, ये क्लेद को भी अचूषित करने का कार्य करेगा। तो आप धावन कीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके साथ ना केवल ल्यूकोरिया बट वजाइनाइटिस है या फंगल इन्फेक्शन, कोई भी योनिगत कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन है, यानी जहां पर भी क्लेद अधिक स्रवण होता है, जहां पर कुंडी कंडू आता है, जहां पर शोथ है, जहां पर कुछ बदबू आती है, जहां पर पानी निकलता है, ऐसे कई सारे कंडीशन से वहां पर बेझिझक आप पंचवल्क का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये व्रण रोपण करने वाला है, तो जहां कभी पर भी जैसे अभी हम पहले स्त्री रोगों की बात करते हैं, फिर आगे जैसे भी अनेक सारे जो भी बताए गए हैं उसको भी हम लोग उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे ही हम लोग वजाइनाइटिस या योनि में सूजन आती है, वहां पर भी आप धावन कर सकते हैं। अगले सत्र में मैं बात करूंगी योनि धावन को लेकर, तो योनि धावन कैसे करना, किन किन व्याधियों में हम लोग वजाइनल टू है इसको लेकर खास सत्र बताऊंगी, और फिर इसको लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से फंगल इन्फेक्शन, कोई भी प्रकार का योनिगत इन्फेक्शन है, सूजन है, स्राव है, कंडू है, तो वहां पर आप योनि धावन के लिए पंचवल्क काढ़े का प्रयोग कर सकती है। ये ज्यादा से ज्यादा जैसे मैंने अभी बताया कि पित्त कफ के शमन के लिए अच्छा बताया है, तो पित्त प्रकृति में इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि पित्त यानी पाक, पित्त यानी सूजन, पित्त यानी रंजन करने वाला, तो बस पित्त बढ़ेगा, पित्त का प्रकोप होगा, तो एक प्रकार से जैसे पित्त देखेंगे तो पित्त के प्राकृत गुणों को देखेंगे तो पित्त विस्त्र गंधी भी बताया है, तो ये यहाँ पर विस्त्रता द्रवता भी बढ़ेगी, दुष्ट होगा और क्लेद अधिक बढ़ेगा। जैसे पित्त प्रकृति में स्वेद का स्त्राव अधिक होता है, तो पित्त विकृत हो जाने पर जो भी मल दूषित भाग है शरीर के वो भी अधिक बनेंगे, इसमें से भी एक क्लेद आता है, और ये क्लेद अधिक बनते जाएगा तो वहां पर कुछ जो भी मैल गंदगी जमी होगी उसको निकालने के लिए इन इस सारे जो प्रॉपर्टी मैंने बताई, इन सभी द्रव्यों की, ये सभी पट कूल में आते हैं, इन सभी का बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। आप सिंगल भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे आप वट का भी कर सकते हैं, वट के छाल का भी, सिंगल भी ड्रग आप इसमें, सभी ड्रग बहुत ही अच्छे कषाय रस से होने से व्रण रोपण का अच्छे काम करने वाले हैं, आप सिंगल ड्रग भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट जैसे कि अभी एक पेटेंट या जैसे ग्रंथों में वर्णन किया है कि 5 इस छाल की काढ़े का प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलने में आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जैसे योनि व्यापक, तो योनि व्यापक
यानी योनि नाम में भी लिखा है कि योनि की दृष्टि हर प्रकार से योनि का प्राकृत कार्य बिगड़ जाना, इसको व्यापक कहा है। योनि व्यापक बहुत विस्तृत रूप से सर्वेद में वर्णन किया है और बहुत लोग मॉडर्न इससे भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो योनि व्यापक में जो भी सारी योनि दृष्टियों के कारण है इसमें मैं बताऊंगी, तो पहला प्रकार है परिप्लुता योनि व्यापक, जो जिसकी दृष्टि है वात पित्त जनित बताया है। तो ये परिप्लुता का कारण क्या है? तो पित्त प्रकृति में छींक वेग को या उद्गार वेग का धारण करने से मैथुन प्रसंग में मैथुन के समय पे ड्यूरिंग द क्वाइटस, अगर पित्त प्रकृति की स्त्री है तो अगर वो छींक या उद्गार का धारण करती है, यानी इसका कहने का मतलब है कि वेगों का धारण, वेद में वेगों के धारण को भी प्रकोप बताया, वात प्रकोप सबसे पहले इसमें होगा और यहाँ पर पित्त वात पित्त जनित दृष्टि होगी और इसके लक्षण बताए कष्ट संग और कष्टार्थ। तो इन सभी लक्षणों में भी आप पंचवल्सल काढ़े का प्रयोग, टैबलेट भी मिलती है, आप टैबलेट भी दे सकते हैं 5 दिन के लिए, आप काढ़े से योनि धावन भी कर सकते हैं। तो परिप्लुता योनि व्यापद में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं, जहां पर वेग धारण है एक्चुअली कषाय रस है, यहाँ तो वात बढ़ सकता है, बट जैसे कि हम लोग हमने देखा कि पित्त का शमन करेगा ये शीत गुण है, तो वर्ण रोपण के लिए आप ज्यादा मतलब इसका प्रयोग हमें करना है। तो बस थोड़ा सा अगर वात का प्रकोप होता है तो थोड़ा हम जो है काढ़े की तीव्रता कम कर सकते हैं, क्योंकि योनि धावन करना है। काढ़ा की क्यों यूज करना है? क्योंकि काढ़े से जो भी उसकी ये होती है कार्य कारण क्षमता जो होती है वो ज्यादा बढ़ती है, इसीलिए काढ़े का प्रयोग ज्यादा अच्छा होता है। वटी से, क्योंकि वटी जाएगी फिर आमाशय में घुल जाएगी फिर कार्य होगा, बट डायरेक्टली आप यहाँ पर काढ़ा पिचू या ऐसे इसका इस्तेमाल करते हो तो वहां की जो जगह की जो स्थानिक जो भी दोषों का प्रकोप होता है उसको कम करने के लिए बेस्ट होता है। तो आगे यहाँ पर जैसे रत्नावलीकार ने अलग अध्यायों में इसको वर्णन किया है, तो इसमें से एक है, आगे भी मैं बताऊंगी गायनिक रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, तो इसमें वर्णशोत्रिकार में पंचवल्कल का लेप बता गया है। तो बस वट वही वटत्वक उदुम्बरत्वक पीपलत्वक लक्ष्य और वेतस्त्वक, इनको लेकर जैसे हमने अभी बताया था 10 से 20 ग्राम की मात्रा में जल में लेकर अच्छे से उसको पका लीजिए और पकाने के बाद थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा इसमें गो गुर पिताइए, क्योंकि गो बड़ा शमन करने के लिए या दाह कम करने के लिए वहां पे रोपण करने के लिए अच्छा बताया गया है। गुरुत्व जैसे हम भी घर में देखते हैं कि कोई भी जलन होती है तो जहाँ पे भी पाट जल जाता है तो वहां पर हम लोग घी लगा देते हैं, तो घी एक बेस्ट एक ऑइंटमेंट या एक क्या बोलेंगे क्रीम के तौर पर भी बेस्ट के रूप में भी यूज में होता है। ऐसे ही घी एक दाह का शमन करेगा और दोषों की दृष्टि कम करेगा और रोपण का कार्य भी करता है। तो यहाँ पर गोघृत मिलाकर अच्छे से शीतल बनाकर उसको लेप लगा दीजिए और फिर सभी मतलब ज्यादा से ज्यादा पित्तज रक्तज आगंतुज व्रण शोक में इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। तो ये व्रण रोगाधिकार में पंचवल्कल का लेप बताया है। अभी हमने पहले देखा था काढ़े का प्रयोग कैसे करना है, अभी यहाँ पर देखा कि लेप कैसे बनाया जाता है। तो लेप के लिए जैसे इसको पका कर लेना है और फिर ठंडा करना है, और जैसे हम लोग बनाते हैं घर में भी कुछ बनाना होता है जो एक चावल या जैसे कुछ लगाने जैसे बना देते शीरा वगैरह बना देते जिसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी घट्ट बनता है, वैसे ही इसको बनाओ और फिर एक लेप के तौर पर लगाएंगे तो व्रणशोथ में जो भी शोथ जहां पर भी होगा वहां पर भी पूय पर्स फॉर्मेशन है या फिर सूजन आती है तो वो टिश्यूज इन्फ्लाम होते हैं, तो इसके लिए टिश्यू को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला कुछ चाहिए और एस्ट्रीजेंट या कषाय रस में ये गुणधर्म है कि वो वहां के जो भी उभरा हुआ जो भी पार्ट है उसको संकुचित करेगा, उसको शोषित करेगा और इस प्रकार से उसका शोषण होकर शोथ या सूजन कम होने में मदद मिलती है। इसमें फिर वर्णशोथ विकार में ही बताया है कि पंचवल कालाद्य चूर्ण भी बताया है, ये सभी पांच और इसमें आप लोग धात की जो कि अच्छी एक संधान कर बताई है संधान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें धात की मिलाकर शुक्ति चूर्ण मिलाकर भी आप अवचूर्ण यानी चूर्ण को वहां पर उस जगह पर रख देना समय के लिए थोड़ी समय के लिए, ये भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। आगे और विशेष रत्नावलीकार ने मुख रोग में भी ये बताया है, तो मैं अभी बताऊंगी मुख रोग या मुख पाक बहुत ही आजकल की कॉमन समस्या है। बहुत बार हर मुझे मैंने कितने सारे लोगों को देखा है कि साल में 2-3 बार 4 बार 5 बार तो मुख पाक होता है, स्टोमेटाइटिस आता ही है।
और बहुत सारे कारण है, विटामिन डिफिशियंसी से लेकर अग्निपांड्य, अति चिंता, क्रोध, शोक, जागृत करना, इसके बहुत सारे हेतु बताए गए हैं। बस इसमें क्या होता है, पाक है, तो पाक है यानी पित्तजनित संप्राप्ति है। पित्तजनित संप्राप्ति के लिए जैसे मधुर तिक्त कषाय रस पित्त का शमन करते हैं, तो ये सभी जो भी द्रव्य हमने लिए हैं ये सभी कषाय और शीत गुण के हैं। कषाय और शीत गुण के होने के कारण ये बहुत अच्छे से जो भी पाक जनित संप्राप्ति है वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता मिलता है। तो बस पंचवल काढ़े का प्रयोग हम लोग गंडूष के लिए भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बार पित्त प्रकृति की स्त्रियों में जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम होते हैं उसमें क्लेद भी बढ़ता है और कभी कभी मुंह में छाले भी पड़ते हैं, पिंपल्स भी आते हैं कभी कभी बात, तो इस समय जो भी मुंह में छाले हैं इसके लिए हाँ पर हम तो सिंपली जैसे बी कॉम्प्लेक्स ले लो कम हो जाएगा, या कुछ कॉम्बिफ्लान ले लो ज्यादा पेन हो रहा है तो ऐसे करते, बट ये नहीं करना है। बस सिंपली आप लोग पंचकल्पल चूर्ण का पैकेट बाजार में मिलता है उसको लाकर रखिए और फिर इसका काढ़ा बनाकर या पानी में मिलाकर गर्म कर भी आप इसका गंडूष करते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम इसके मिलते हैं। इसके साथ आचार्य ने विसर्प रोगाधिकार में भी इसको बताया है। तो विसर्प में तो पित्त प्रधान है, तो यहाँ पर जैसे कि परिषेक के रूप में विसर्प रोगाधिकार में इसको बताया है, वट, पीपल, उदुम्बर, उपलक्ष्य और फिर वेतस, इन सभी को अच्छे से थोड़ा जल में पीस लीजिए, और पीसने के बाद इसका लेप जहां पर भी विसर्प के जो भी दाग होते हैं, जहां पर भी सूजन आती है ना, विसर्प में दाग होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, वहां पर लेप लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा इसका परिणाम बताया गया है। तो विसर्प रोगाधिकार में भी आप लोग पंचवल का उपयोग कर सकते हैं। फिर आचार्य ने कर्ण रोग में भी बताया है, इन सभी का, और इसके साथ मधु मिला लीजिए, मध शहद मिला लीजिए और थोड़ा सा हम लोग कर्ण रोग में भी चूर्ण के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके साथ आप इसका कर्णपूरण भी कर सकते हैं, कुछ जो भी कर्ण के स्त्राव जनित संप्राप्ति होती है, देखिए जहां पर भी स्त्राव है या क्लेद जनित संप्राप्ति होती है वहां पर हमें इसका कहीं पर भी शरीर में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, भले वो स्रोतस, देखिए हमने जैसे बताया कि बहिर्मुख स्रोतस ओपनिंग वाले जो भी है जैसे मुख है, कान है, तो इसमें आप आराम से वहां की सूजन है, क्लेद अधिक बनता है तो इसमें आप पंचवल का उपयोग कर सकते हैं। कर्ण रोग में इसके साथ कपित्थ यानी कैथ कत्था बोलते हैं ना, इसका भी स्वरस डालने को कहा है, इसमें मधु मिला लीजिए और फिर कर्ण का पूरण कीजिए। और ये जो मैंने बताया पंचवल्कल काढ़ा या चूर्ण पानी में मिलाकर भी, आपको अगर काढ़ा नहीं बनाना है इसको इतना ज्यादा नहीं ये करना है, प्लीज रिपीट द द्रव्य, ओके तो बताती हूँ मैं एक बार फिर से। वटत्वक है, उदुम्बर है, पीपल है, प्लक्ष है, इसमें बताया गया, और जैसे कि अभी मैंने बताया था ये है परिषेक है, परिष वट, उदुम्बर, पिपली, परिष और लक्ष्य, फिकस, ये पांच इसमें बताए गए। फिर कोई भी जख्म, कोई भी घाव होता है, बहुत बार छोटे मोटे अपघात होते हैं घर में भी, तो हम लोग हल्दी डाल देते हैं, हम लोग एंटीसेप्टिक कुछ लगा देते हैं, बेटाडीन वगैरह से जख्म को धो देते हैं, या कभी मलम पट्टी भी करते हैं, बट सिंपली अगर आपको आयुर्वेदिक तौर तो से ही देखना है तो आप कोई भी जख्म है, घाव है, तो इसका चूर्ण अवचूर्णन कर सकते हैं, इसके काढ़े से जख्म को धो दीजिए, अगर जो धोना नहीं है तो इसकी टैबलेट भी मिलती है तो इसकी टैबलेट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इस प्रकार से कई सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। ये तो रोगाधिकार था इसीलिए मैंने बताया, तो अभी हम लोग और फिर से हमारे जो सब्जेक्ट है इसकी तरफ चलते हैं कि गायनेकोलॉजी में स्त्री रोगों में क्या और किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी है, मेनोरोजिया है, पीआईडी है जिसमें कि पेल्विक रीजन में इंफ्लेमेशन होता है, पेनफुल उनका मेंसेस होता है, फिर ल्यूकोरिया जैसे मैंने अभी बताया, तो इनफर्टिलिटी, पीसीओ थोड़ी मेनोरोजिया में भी आप योनि धावन के लिए या टैबलेट के रूप में ओरली काढ़ा, सिंपली आपको जैसे हमने बहुत इस कोरोना समय में हमने बहुत सारे काढ़े का प्रयोग किया, काढ़े बनाने के लिए बहुत हमने देखा कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग काढ़ा बनाते हैं तो पाइल्स जैसे, अर्श जैसे, मुखपाक आना, ये भी देखा जाता गया था पिछले, हमने आयुष काढ़ा जो मिलाया था। तो बस यहाँ पर हमें क्या करना है, जब काढ़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है तो चाय जैसे बनाते हैं, फिर कम स्ट्रॉन्ग चाय बनाते हैं, तो बस पानी लीजिए, उसमें चूर्ण डाल दीजिए और ज्यादा उबालिए मत, थोड़ा सा उसको जो उसकी कंसेंट्रेशन है वो
कॉन्सेंट्रेशन कम रखिए और इस प्रकार डिकॉक्शन टाइप में आप बना सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे काढ़े का प्रयोग हम लोग करते हैं ना 5 से 10 ml, उस प्रकार से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी वैद्यों में इसका बहुत अच्छा परिणाम बताया गया है। ये टैबलेट भी मिलती है, जैसे मैंने बताया क्रीम भी मिलती है, क्रीम का मैं उपयोग आगे बताऊंगी कैसे इसका उपयोग करना है। और जो योनिवापत है उसमें वामिनी योनिवापत भी बताया है, वामिनी योनिवापत में जो कि वात प्रकोप से होता है, तो और इसका जो लक्षण है वो है वंध्यत्व और अप्रजा, यानी अभी मैंने जो बताया था इनफर्टिलिटी में भी प्रयोग करना है, तो वामिनी योनिवापत में वंध्यत्व के लक्षण मिलते हैं। तो इस समय पर पंचवल्कल सिद्ध घृत गर्भावस्था में भी उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। पंचवल्कल सिद्ध घृत का प्रयोग यहाँ पर बताया है, वात प्रकोप जनित संप्राप्ति अगर होती है तो। दूसरी योनिवापद है पुत्रग्नि योनिवापद, जिसमें वात और रक्त की दृष्टि होती है, और वात और रक्त की दृष्टि में जो योनिगत रक्त स्त्राव है तो इसके लिए भी हम लोग इस काढ़े का प्रयोग योनि धावन के रूप में कर सकते हैं। इसमें आप जो है योनि धावन पंचवल्कल के साथ कुछ ड्रग एडिशन भी डाल दी, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, जैसे उदुम्बर है ही इसमें, फिर अजय को बताया है लाक्षा को भी डाल सकते हैं इसमें, फिर घातकी बताइए, धातकी का बहुत अच्छा कषाय रस होता है, धातकी व्रण रोपण में बहुत अच्छा मदद करती है, इसमें मोच रस भी डाल सकते हैं, डिंक भी डाल सकते हैं। इन सभी द्रव्यों को मिलाकर अगर योनि धावन करते हैं तो बहुत अच्छे मतलब रिजल्ट्स हमने देखे हैं योनि बापत में भी, इस प्रकार पुत्रग्नि योनि बापत में। दूसरा, जैसे हम लोग आज उत्तर बस्ती को लेकर बात कर रहे थे, तो मैंने जैसे अभी हम लोग चर्चा हमने की थी, तो उत्तर बस्ती के पहले भी उत्तर बस्ती देने के पहले भी जो योनि प्रक्षालन या योनि क्लीनिंग वजन शुद्धि जरूरत होती है, वहां पर भी पंचवल्कल काढ़े का आप प्रयोग कर सकता है। मुझे तो लगता है कि कभी भी कोई भी स्त्री को जो भी थोड़ा सा भी श्वेत स्त्राव अगर लगता है तो पंचवल्कल का उपयोग कीजिए। त्रिफला भी अच्छा ही है, त्रिफला काढ़े से भी आप योनि धावन कर सकते हैं, बट थोड़ा अच्छे से आपको कोई औषधीय गुण वाला कुछ ड्रग चाहिए तो यहाँ पर हम लोग इस काढ़े का प्रयोग बहुत अच्छे से उत्तर बस्ती के पहले भी कर सकते हैं, क्लींजिंग पर्पज के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। तो इन सभी के साथ मैंने पढ़ा कि आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में योनि गंधी में भी पंचवल्कल के जो द्रव्य है चूर्ण है इसका प्रयोग बताया है। योनि की पिच्छिलता, योनि दुर्गंध, नॉर्मली योनि को थोड़ा सा दुर्गंध आना ये स्वाभाविक होता है, बट ज्यादा अगर बढ़ता है, ज्यादा बदबू आती है, इसके साथ कुछ स्त्राव या क्लेद जनित भी संप्राप्ति अगर होती है तो वहां पर हम लोग इन सभी द्रव्यों का प्रयोग कर कर काढ़े का प्रयोग कर कर योनि धावन अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, आपको अगर मतलब नहाने के पानी में भी डालकर हम क्लींजिंग पर्पज के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ और एक मैं शेयर करूंगी, जैसे मैंने अभी रिसर्च आर्टिकल्स काफी पढ़े हैं तो इसमें एक रिसर्च हुआ था व्रण में हुआ था हालांकि वो बट इसमें हम लोग जहां पर भी योनि रोगों में व्रण जनित संप्राप्ति होगी, योनि रोगों में जहां पर भी क्लेद अधिक बनेगा वहां पर भी हम लोग पंचवल्कल क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। बट क्रीम बनाने के लिए जैसे पैराफीन या कुछ घृत तेल बेस होता है, जैसे बाजार में जो भी क्रीम बनते हैं उसमें आयुर्वेदिक जो भी क्रीम है या कोई भी क्रीम जब बनती है तो उसमें कुछ ऑयल बेस लगता है, तो इस ऑयल बेस के साथ अगर आप पंचवल्कल चूर्ण उसको उसमें मिलाकर डाल सकते हैं तो ये क्रीम बहुत ही अच्छी बताई है। तो ये क्रीम का काम कैसे होगा, तो कषाय रस एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, जो भी उभराव है, बहाव आता है, स्त्राव जनित संप्राप्ति है, वहां पर ये कषाय रस एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी से वो चूषण करेगा, स्तंभने शीतः क्लींजिंग रोपण के जो स्टेजेस बताए गए उन हीलिंग जो 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 भी जिस प्रकार से भी उसमें हम लोग समझ लेते हैं, तो वहां पर एक प्रकार से जो टिश्यू सेल है उसको निकाल नहीं देना, बट उसको थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करने या संकुचित करने की संप्राप्ति हमें चाहिए होती है, संकुचित करने वाला द्रव्य हमें चाहिए होता है, तो वहां पर हम ये सभी द्रव्यों को जैसे देखा कषाय रस वाले है तो इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। जो भी वहां पर एक जमाव होता है, अगर मैं थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल दृष्टिकोण से बताऊंगी इसमें कि जहां पर भी इंफ्लामेशन है तो WBC बढ़ जाते हैं, इन दैट बैटल WBC कहीं पर भी कोई जीवाणुजन्य संप्राप्ति है, बैक्टीरिया
इंफ्लेमेशन हो तो शरीर में जो श्वेत पेशी है बढ़ जाती है, और ये श्वेत पेशियां जाकर उस इन्फ्लामड एरिया में जाकर उसको जो भी सूजन है, जो भी बैक्टीरिया वहां पर जमते हैं, उसको मार देने का काम करते हैं, जिसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। दे किल दैट सेल्स एंड दे सीक्रेट सम सब्सटेंसेस, कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं वहां पर WBC से, और दैट सब्सटेंसेस, और जो भी यहाँ इस बैटल में, द बैटल ऑफ द WBCs विद द बैक्टीरिया, देर आर मेनी डेथ, बहुत सारे डेथ भी होते हैं, WBCs भी कुछ मर जाते हैं, टिश्यू सब टॉक्सिन्स वहां होते हैं, और ये जो जम जाते हैं फैगोसाइटिस की प्रोसेस में, यही जाकर वहां पर आगे पस में कन्वर्ट होता है। तो व्हाट इज पस? एक्चुअली पस इज नथिंग बट द डेड सेल्स, द डेड टिश्यूज, क्ले हम बोलेंगे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, और आधुनिक दृष्टिकोण से डेड टिश्यूज, डेड सेल्स कहेंगे। तो ये क्ले या डेड सेल्स या स्त्राव जो भी यहाँ पर जमा है, उसको कम करने के लिए, या भी डिब्रिस बोलेंगे हम इसको, जो भी डर्टी पोल्यूटेड जो भी सब्सटेंसेस जमा है, धूलिकण के जैसे कण जो भी है, स्त्राव है, तो इन सभी के लिए बहुत ही अच्छा शायद रस वाले द्रव्य, और इसीलिए हमने आज इसको पंचवल्क कषाय को हम लोग देख रहे हैं, स्तंभक है, ग्राही है, इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स, इट होल्ड्स, इट क्या करेगा, क्या कहेंगे हम इसको, कि ये रुकाता है, स्तंभन करता है, स्तंभन करना यानी टू होल्ड, ये उसको पकड़ कर रखता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और इसीलिए जैसे कि हमारे ओपन पोर्स जो ओपन होते हैं, उसको जो अगर बांध देंगे तो पानी का बहाव या क्लेत का बहाव नहीं होगा टिश्यू से, तो ये बांधने का कार्य ये सभी द्रव्य करते हैं कषाय रस के गुणों से। दूसरा मैं बताऊंगी स्तंभन कार्य या ग्राही कार्य कैसे होता है। तो जहां पर भी आप, जैसे योनि व्यापद है या फिर ल्यूकोरिया में भी है, या योनि में कोई भी सूजन जैसे संप्राप्ति है, जहां पर रेडनेस होता है, रेडनेस यानी पित्तजनित संप्राप्ति, पाक, राग, दाह, तो ये सभी द्रव्य जो है वो पित्तघ्न कार्य करते हैं, पित्त का शमन करते हैं, पित्तहर बताए गए हैं। इसी के साथ जैसे रक्त और पित्त की संप्राप्ति, हमें पता है कि रक्त और पित्त का आश्रय से संबंध होता है, जहां पर भी पित्त का दुष्ट होता है वहां पर रक्तजनित कुछ ना कुछ लक्षण मिलते हैं, और यहाँ इसीलिए ये द्रव्य सभी रक्त का शोधन, देयर आल्सो एक्ट एज अ ब्लड प्यूरिफायर, एंड सो यहाँ पर ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी कार्य होगा, रक्त शोधन भी होगा, और इसीलिए रेडनेस सूजन जो है वो भी कम होगी। वर्ण्य कार्य भी करेंगे, ये वर्ण प्रदान करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे स्किन को, क्योंकि भ्राजक पित्त से ही तो वर्ण प्रकाशमान होता है, कांतिमान होता है, तो जो भी डिस्कलरेशन है, जो भी यहाँ पर राग पाक है, इस संप्राप्ति को कम करने के लिए ये कार्य करेगा कषाय रस। ब्लड प्यूरिफिकेशन, त्वक प्रसादन, इसके साथ स्वेलिंग, जैसे मैंने अभी बताया सूजन, तो सूजन आना है यानी जो हमारी नॉर्मल स्किन है उसके ऊपर कुछ ना कुछ जम गया है, तो ये जमा हुआ जो भी सारा कीटाणु जीवाणु, मल कहिए, क्लेत कहिए, जलमाहूत कहिए, तो भी सारा दुष्ट घटक है, इसको निकाल देने का, इसको दबाने का, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का, इसको ड्रेन करने का काम ये कषाय रस के सभी द्रव्य करते हैं, या सभी पंचवल्क द्रव्य करते हैं। थोड़ा सा स्वेलिंग को लेकर रोपण क्यूरेटिव फैक्टर्स इसमें होते हैं, स्क्वीज करते हैं जख्मों को, फोल्ड करते हैं, स्क्वीज करना यानी संकुचित करना, जो मैंने बताया टिश्यू को स्क्वीज करेंगे, तो जैसे जैसे स्क्वीजिंग का कार्य, हम लोग देखते हैं ना कभी भी जख्म कोई आता है, निशान बनता है, तो बहुत सारे चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं, पहले तो उसमें कुछ स्त्राव बहता है, फिर खुजली आने लगती है, फिर हम कहते हैं कि नहीं अभी खुजली आ रही है तो जख्म भरकर आ रहा है, फिर उसका कलर चेंज होते देखा है हमें, कुछ उससे एक प्रकार का कुछ ये भी निकलता है, स्किन भी कुछ निकलती है, टुकड़ा भी निकल देता है, और जैसे जैसे हम लोग खुजा देते फिर से रेड होता है, फिर धीरे धीरे 8-10-15 समय में ये 15 दिन में ये जख्म कम होते जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो भी सारी संप्राप्ति है, स्क्वीजिंग फेनोमेना होगा, डिस्ट्रॉय करेंगे पस सेल्स को, क्लेदहर बताया है, छेदन भी करता है ये वायरस, छेदन करेगा, जो भी खत्म कर देने की क्षमता इसमें होती है। थोड़ा हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखेंगे या केमिकल कंपोजिशन के बारे में देखेंगे, इन सभी द्रव्यों के जो भी घटक है उनको देखेंगे, तो इसमें काफी सारे द्रव्य बताए, सब्सटेंसेस बताए कि टैनिन इसमें है, जो कि वट में है, वट में इतने अच्छे गुण है, स्त्रियों के सभी विकारों में वट या बनियान ट्री है, जिसको हम लोग कल्प वृक्ष को भी मान देते, बरगद बहुत अच्छा है, बरगद का पेड़ और उसके सभी गुणधर्म अच्छे है, तो इसमें टैनिन हो, वट आदि फैमिली का ही है ये द्रव्य, तो दोनों ही एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूजन को कम करते हैं। दूसरा इसमें केमिकल सब्सटेंस बताया है फाइटोस्टेरॉल, तो ये फाइटोस्टेरॉल वट और पीपल में होता है, जो कि एनाल्जेसिक का काम होता है, वेदना शमन का काम होता है, पीपल को
करने में श्रेय बताया है वगैरह, बट स्टिल यहाँ पर भी अश्वत्थ या पीपल बहुत अच्छे से काम करेगा, वेदना शमन का कार्य करेगा। वेदना जनित संप्राप्ति अगर है स्त्राव के साथ तो यहाँ पर भी ये काढ़ा बहुत अच्छे से काम करेगा। फिर इसमें कुछ ग्लाइकोसाइड्स भी है, वट में ज्यादा बताए गए, जो कि एक प्रकार से उन की साइज को रिड्यूस करेगा, जख्म को भर कर आने में मदद करेगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि बहुत सारे इसके हमने पंचवल्कर चूर्ण का अलग अलग प्रकार से चूर्ण लीजिए, लेप लीजिए, इसका मलम लीजिए, कोई भी प्रकार से हम लोग टैबलेट है, क्रीम भी मिलता है, ओरल भी आप लोग यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से जो मैंने अभी बताया पंचवल्कल क्रीम बहुत अच्छी है। आप किसी भी योनिगत संप्राप्ति जहां पर स्त्राव, क्लेद, दुर्गंध, पिच्छिलता, चिकटपना है, वहां पर ओरल मेडिसिन तो दीजिए, आप टैबलेट भी, आप आरोग्य वर्धिनी दीजिए, आप त्रिफला गुगुल दे सकते हैं ओरली। इसके साथ इसके लिए कई सारे द्रव्य जो बताए, इसमें एक आज हमने देखा पंच बल्कर कषाय को हमने आज देखा, काढ़े का प्रयोग, चूर्ण का भी प्रयोग, चूर्ण के रूप में भले ही आया है किंतु स्त्री रोगों में योनि रैपर, पीसीओडी, पीआईडी, इनफर्टिलिटी, योनिगत स्त्राव, इन सभी में भी इसके अच्छे उपाय बताए गए हैं। तो इसी को लेकर हमने आज देखा कि किस प्रकार से ये काम करता है। सो किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर, सो यू कैन। यस मैम, किसी को कुछ आपका एक्सपीरियंस भी बताना है तो आप बता सकती है। यस, एनी क्वेश्चन? किसी ने यूज किया है? नो मैम, मैं तो अभी घर पर बहुत शोर हो रहा है। ओके 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 ओके। अंजना जी, आप कुछ बता सकती है इसके बारे में? आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर कीजिए। हेलो मैम, नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है। हाँ मैम, मैं ये कह रही थी। हाँ, नमस्कार। बहुत अच्छा बताया आपने, हम लोग अभी सुन रहे थे। हाँ मैम, बस डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं वॉइस में, कुछ डिस्टर्बेंसेस। यस, हेलो। हाँ या, यस मैम, यस। आपने जो बताया मैम, हाँ बहुत अच्छा है। पंचवल्कर, पंचवल्कर पे तो हम लोग का भी काम चलता है लगातार, क्योंकि ये जो सीजन चल रहा है, सीजन में बल्ब वेजिनाइटिस, वेजिनाइटिस और इस तरह के सिंपल सिंपल टेस्ट जो डिस्चार्जेस के आते हैं, श्वेत पत्र वाले आते हैं, तो उसमें हम लोग केवल इसी का पंचवल्कर अगर हम काट लेते हैं, उससे अगर हम वॉश कराते हैं, पेशेंट का प्रक्षालन कराते हैं, योनि प्रक्षालन कराते हैं, तो हमें किसी भी तरह की कोई एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल क्रीम देने का कोई वही नहीं मिलता हमारा आयुर्वेद। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं के काट से अगर हम अफगान शेद करा दे, है ना, अफगान सेटल करा देते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। और इसको इसी से अगर हम तेल भी कराते हैं, जैसे कि पंचवल्कर का जो है मूर्छित तेल बना लेते हैं, तिल का तेल, और वो अप्लाई करवाते हैं हम लोअर जेनिटल ऑर्गन्स में या वेजाइटिस में या स्पेशली जो वेजाइटिस में, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है पेशेंट को। तो अब तो हम लोग बिल्कुल भी मतलब किसी भी तरह की इंडिपेंडेंट आयुर्वेद की, और कहीं भी आयुर्वेद कोई भी मॉडर्न ड्रग यूज नहीं करते, और पेशेंट को हमें लगता है कि बहुत अच्छी, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, और रिकरेंट भी नहीं होता ऐसे करता है, प्रॉपर सभी बहुत लेता है, प्रॉपर जी मैम, बहुत इफेक्टिव है। या बहुत प्रैक्टिकल है, और जैसे सिंपल कुछ करना है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फैंसी इसमें जाते हैं बहुत बार कि बड़े बड़े नाम हमें चाहिए होते, तो ऐसा नहीं करना है। तो बस सिंपल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि उत्तर बस्ती के पहले भी या कई कई बार सिंपल बहुत, क्योंकि श्वेत स्त्राव ये
बहुत कॉमन है स्त्रियों में, बहुत कॉमन है, अलग अलग अवस्था में कॉमन है, बहुत अच्छी है। तो इसमें आप हर प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। चूर्ण का पैकेट रेडीली मिलता है मार्केट में, बस आप जैसे भी चाहे इसका प्रयोग कीजिए। और इसी से ही हमारे मतलब प्रैक्टिस में ऐसे छोटे छोटे जो भी कल्प बताए गए हैं आयुर्वेद में आचार्यों ने, तो इसका प्रयोग हम करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस में भी एक बहुत अच्छे से रिजल्ट्स भी आएंगे सिंपल, और पेशेंट भी खुश होंगे एकदम सादे सिंपल तरीके से अगर हमने ट्रीटमेंट दी उनको तो। यस, और किसी को कुछ पूछना है जी? प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम योनि धावन के लिए हमें किस तरह से चुनना चाहिए कि कब हमें त्रिफला क्वाथ का योनि धावन यूज करेंगे और कब पंचवल्कल कषाय का? यस यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि क्लेद जनित ज्यादा संप्राप्ति कहाँ पर है? दुर्गंध है, स्टिकीनेस है, पिछिलता है, स्त्राव में बदबू है, और वहां पर हमें कषाय रस, क्योंकि पंचवल्कल में जो भी कषाय शीत है तो वहां पर पंचवल्कल आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा अगर थोड़ी संप्राप्ति मिलती है, योनि व्यापक जनित होती है तो जी, जैसे कंडू और भी अच्छा ही है एक्चुअली। तो योनि धावन के लिए शोधन के लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। कर्डीवाइड डिस्चार्ज विद कंडू है तो मुझे लगता है त्रिफला से ज्यादा पंचवल्कल ही बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें ना जैसे शीत और कषाय दोनों प्रॉपर्टी वाले द्रव्य है, और ये खासकर जो भी वट है, उदुम्बर है, इस स्त्री रोगों में ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। आप त्रिफला भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे संप्राप्ति अगर ज्यादा है योनि जनित है, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो पित्त कफ जनित अगर संप्राप्ति है वहां पर हमें पंचवल्कल का ज्यादा अच्छा उपयोग लगता है त्रिफला से भी, क्योंकि त्रिफला थोड़ा सा रुक्ष होगा। मतलब एक्चुअली दोनों भी कषाय ही है, बट स्टिल मैं प्रेफर करूंगी कि अगर ज्यादा कफ पित्त जनित संप्राप्ति है तो पंचवल्कल बेस्ट रहेगा। आप त्रिफला गुगुल टेबलेट दीजिए ना फिर पेट में, अच्छा रहेगा। त्रिफला गुगुल ओरली दीजिए और फिर पंचवल्कल का काढ़ा सिद्धावन कराइए। जी मैम, थैंक यू। है ना मैम, ऐसे भी कर सकते। Okay, और किसी को कुछ पूछना है या यहाँ पर रुके हम लोग, बताइए। क्योंकि सभी जो भी द्रव्य बताए गए ना, तो इसमें सभी में छाल इसकी यूज, और सभी ने बताया है इसका प्रयोग, सुश्रुत, वाग्भट, भाव प्रकाश, चरण, सभी आचार्यों ने बताया पंचवल्कल का जो प्रयोग बताया ना, अलग अलग सभी आचरण बताया है। और जैसे ज्यादा से ज्यादा तो क्लेद जनित संप्राप्ति कषाय रस है, स्तमन का कार्य करें। आप देखिए ना, आप जो भी हम लोग कभी भी प्रयोग करेंगे तो उसमें हम लोग द्रव्यों के गुणों को देखेंगे, तो ये आप इसमें पांच जो वल्कल है ना वो आप अलग सेपरेट से भी यूज कर सकते हैं। इतनी क्षमता उनमें बताई गई है, इतनी ताकत उनमें है, क्योंकि ये स्तंभक है, ग्राही है, ये सुवर्ण कार्य करेंगे, रक्त का शोधन करेंगे। मुझे लगता है रक्त शोधन वर्ण्य कार्य त्रिफला में भी है, बट स्टिल पंचवल्कल में ये ज्यादा प्रखरता से देखेंगे। सूजन कम करना है, क्यूअर एस्किंग प्रॉपर्टी है, ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा पसल्स को, तो ये सभी गुण देखेंगे। क्लेद, हर, छेदन, इन सभी गुणों से ये बहुत अच्छा एक विकल्प रहेगा हमारे लिए एक सभी संप्राप्तियों में। ओके, तो आज के लिए रुकते हैं फिर। जी मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। कल के सत्र में हम एक बार हम केस टेकिंग की चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि गायनिक में केस टेकिंग ज्यादा हम लोग नहीं ये करते हैं, बट केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि बहुत बार ऐसे होता है, हमने देखा कि अर्बुद है तो उसमें छूट जाते हैं बहुत सारे बातें, स्टिल थोड़ा चर्चा करने जैसा मुझे है। और एक सेशन में अगला लूंगी केवल योनि धावन पर हम बात करेंगे, योनि धावन कैसे करना। जी मैम, थैंक यू। और कौन से रोग योनि धावन किस प्रकार से करें, इसको भी जैसे आपने अभी सवाल पूछा ना, तो इसको लेकर एक खास सत्र करेंगे हम लोग की योनि धावन क्या है, बेसिक बताऊंगी मैं सिंपल। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, या थैंक यू, चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर।